Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, bahut important aur ahem khabar main aapke sath share karne ja rahi hu. Albatta bahut hi zyada good news hai for grade 9th and 11th students. Kya announcements ki gayi hai, kya latest update hai is hawale se, wo main aapke sath share karungi. Sath hi sath NCOC ne kya faisle samne rakhe hain, kya decisions liye ja rahe hain, wo main aapke sath aaj ki is video mein share karungi. इसलिए मैं चाहूंगी काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 10th और 12th की डेट शीट्स इशू कर दी गई हैं, ठीक है. FBISC की बकायदा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट शीट इशू हो गई है और बाकी पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने टेंटेटिव डेट्स इशू कर दी हैं और बहुत जल्द उनकी डेट शीट्स भी इशू कर दी जाएंगी. तो इस हवाले से ग्रेड 10th और 12th की आज से बकायदा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि 10th और 12th की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 50% अटेंडेंस के साथ. अब बात कर लेते हैं ग्रेड 9th और 11th की. तो इस हवाले से सबसे पहले तो अनाउंसमेंट देख लेते हैं मुरादरा साहब की, और उनके अकॉर्डिंग जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं वो सिर्फ 10th और 12th की गई हैं. तमाम डिस्ट्रिक्ट पंजाब के उनमें आज से और इसके अलावा बाकी किसी क्लास को अभी अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो स्कूल्स कॉलेजेस जाए. बात कर लेते हैं 9th और 11th की. सो 9th और 11th के स्टूडेंट्स को अभी NCOC के अकॉर्डिंग स्कूल जाने की परमिशन नहीं दी गई, स्कूल कॉलेजेस रिस्पेक्टिवली. जस्ट 10th और 12th के स्टूडेंट्स को दी गई है. इसके अलावा बात अगर हम प्रमोशन की करें, सो प्रमोशन के हवाले से अब तक कोई अनाउंसमेंट तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस जरूर देखने में आ रही हैं कि अगर 10th और 12th के एग्जाम्स के दौरान पॉजिटिविटी रेट पे फर्क पड़ता है, दोबारा उनका पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होता है या कुछ इश्यू होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स 9th और 11th के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं कंडक्ट किए जाएंगे. अब तक जो डेट शीट्स अनाउंस की गई हैं बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से वो सिर्फ 10th और 12th की गई हैं. 9th और 11th के लिए टेंटेटिव डेट्स तो जरूर प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन उनके हवाले से कोई भी फाइनल फैसला अब तक सामने नहीं आया, क्योंकि तमाम एजुकेशनल मिनिस्टर्स इंतजार कर रहे हैं सिचुएशंस देखने का कि क्या सिचुएशंस इस काबिल रहती हैं और रहेंगी कि 9th और 11th के भी पेपर्स कंडक्ट किए जा सकें. अदरवाइज जैसे कि मैंने आपसे पहले अपनी वीडियोस में शेयर किया था एक एजुकेशनल प्लान, जो कि प्लान बी बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया है NCOC की मीटिंग में, लेकिन हो सकता है वही प्लान दोबारा से एप्लीकेबल हो जाए. लेकिन जब तक कोई भी फाइनल न्यूज नहीं आ जाती, जब तक कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अपनी तैयारी को जारी रखें. वैसे भी 9th और 11th की जो क्लासेस का जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है कि जब तक आपको वो नहीं आता होगा आप 10th और 12th में कुछ नहीं कर सकते. सो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल भी तैयारी को ना छोड़ें. अगर आपके एग्जाम्स मजीद पोस्टपोन होते हैं तो वेल एंड गुड, आपको मजीद टाइम मिल जाएगा. अगर आपके एग्जाम्स सेम डेट्स पे होते हैं जो टेंटेटिव डेट्स इशू की गई हैं, तो एटलीस्ट आपकी तैयारी तो हो. सो मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना जो लेटेस्ट डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं या जो सिचुएशंस है उसके हवाले से, लेकिन साथ ही साथ जो वार्निंग है वो ये है कि प्लीज अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आप अगर जरा सा भी कोताही करते हैं अपनी तैयारी में तो आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ. होप सो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफ़िज़.